In this video, we are going to talk about what is the microbiology which is involved in the cheese making. And I will also give you the brief idea of how cheese is made and what are the steps involved in it. So first of all, let's talk about what is cheese. So पहले हम एक brief idea ले लेते हैं कि cheese क्या है. तो milk के अंदर बहुत सारे components होते हैं, जैसे कि protein, carbohydrates, vitamins, minerals. लेकिन जब हम चीज़ बनाते हैं तब एक पर्टिकुलर पार्ट को हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एंड व्हाट इज़ इट? सो चीज़ इज़ अ प्रोटीन पार्ट ऑफ मिल्क. मिल्क का जो प्रोटीन पार्ट जो एक साथ हो जाता है और बाकी की सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं तब उसको हम चीज़ बोलते हैं. जब हम कर्ड बनाते हैं घर पे तब भी हम देखते हैं कि जो वाटरी पार्ट है वो अलग हो जाता है मिल्क में से और कोएगुलेट हो जाता है कर्ड. तो वही कर्ड जो है उसके अंदर प्रोटीन होता है और उसी प्रोटीन को हम आगे जाके चीज़ मेकिंग में यूज़ करेंगे कि कैसे वो कर्ड जो है वो चीज़ में कन्वर्ट फिर होता है. तो प्रोटीन कौन सा है इसके अंदर? केसिन प्रोटीन मिल्क के अंदर. और जो वे बचता है, दैट इज़ प्रोटीन के अलावा जितना भी कंपोनेंट्स बचता है उसे हम वे बोलेंगे. और उसके अंदर कौन से कंटेंट्स हैं? लैक्टोज, फैट्स एंड अदर विटामिन. तो प्रोटीन एक साइड और बाकी की सारी चीज़ें एक साइड. अब इस प्रोटीन को हमें मिल्क में से अलग कैसे करना है? मिल्क के अंदर जब पीएच इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ एसिड फॉर्मेशन होता है, तब जो है ये प्रोटीन बाकी की सारे कंपोनेंट से प्रोटीन अलग हो जाता है. कि जब चीज़ मेकिंग हम करते हैं तब हम दो चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं. फर्स्ट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि इसके अंदर एसिड प्रोड्यूस करें, एंड सेकेंड एंजाइम विच इज़ कॉल्ड रेनेट एंजाइम जो कि चीज़ मेकिंग प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ये रेनेट एंजाइम क्या है? रेनेट एंजाइम एक्चुअली प्रेजेंट होता है काफ के स्टमक में. वो कैसे वर्क करता है वो हम आगे देखेंगे. रेनेट एंजाइम के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि जब अर्ली मेंस ने मिल्क को स्टोर करना शुरू किया था काफ के स्टमक के अंदर और वो बहुत टाइम तक भूल गए उस मिल्क को, तब उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक अलग टाइप का डेयरी प्रोडक्ट उनको मिला विच वॉज़ वेरी टेस्टी. आगे जाके सब लोगों ने देखा कि इसके अंदर रेनेट एंजाइम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ मिल्क. और इसी वजह से हम रेनेट एंजाइम अभी भी इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं चीज़ मेकिंग प्रोसीजर्स में. अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं चीज़ मेकिंग प्रोसीजर्स में. सो देर आर थ्री स्टेप्स: कोएगुलम फॉर्मेशन, सेपरेशन ऑफ वे फ्रॉम कर्ड एंड राइपनिंग. सो इन कोएगुलम फॉर्मेशन, दैट इज़ कर्ड का फॉर्मेशन कैसे करना है मिल्क में से पहले. तो मैंने आपको बताया था कि एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर रेनेट एंजाइम हो सकता है, बट कमर्शियली ये दोनों ही प्रोसीजर्स हम इधर यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इज़ कोएगुलम फॉर्मेशन. उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे माइक्रोब्स का हमें यूज़ करना है जो मिल्क के अंदर एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट करें. अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबस्ट्रेट क्या होगा? सो दे आर लैक्टेट डिग्रेडर्स. कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं? फॉर एग्जांपल लैक्टोबेसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस. दे वर्क अंडर 30-50 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर. एंड व्हाट रिजल्ट्स आर देयर? लैक्टेट टू लैक्टिक एसिड. दे यूटिलाइज लैक्टेट एंड कन्वर्ट इट इनटू लैक्टिक एसिड एंड हेंस एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट इन द मिल्क. अब इससे क्या होगा? इट इंक्रीजेज द पीएच ऑफ द मिल्क विच इज़ अराउंड 4.6. नाउ इंक्रीज इन पीएच ऑफ द मिल्क इज नेसेसरी. एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इंट्रोड्यूस करेंगे रेनेट एंजाइम को. और रेनेट एंजाइम के फंक्शन के लिए पीएच जो है वो बहुत लो ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेनेट एंजाइम. सो एज आई टोल्ड यू, इट वॉन्ट्स एसिडिक पी एच टू वर्क. हर एंजाइम का अलग अलग पी एच होता है, टेम्परेचर होता है, ऑन दैट इट वर्क्स ऑप्टिमली. तो उसको जो है वो एसिडिक पी एच चाहिए. एंड दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूसिंग एसिड. सो वॉट इट डज, अब ये एंजाइम एक्चुअली करता क्या है? तो एंजाइम का सबसेट होगा केसिन प्रोटीन, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटीन का कोएगुलेशन होने वाला है तो वो प्रोटीन पे वर्क करेगा. तो वो करेगा क्या?
इट कन्वर्ट्स इट फ्रॉम सोल्यूबल टू इनसोल्यूबल फॉर्म। दैट इज़ कि अभी तक मिल्क का जो स्ट्रक्चर था, टेक्सचर था, वो होमोजेनियस था, क्योंकि सभी चीज़ें उसके अंदर सोल्यूबल कोलोइडल फॉर्म में थी। लेकिन जब इसका जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा केसिन का, तब उसका जो फॉर्मेशन है वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा, और इसी वजह से वो बाकी के मिक्सचर के साथ सर्वाइव नहीं कर सकेगा और वो अलग हो जाएगा। सो प्रोटीन का जो सॉल्यूबल फॉर्म है वो था केसिन, के केसिन, एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू पैरा के केसिन। सो द वर्क ऑफ रेनेट एंजाइम इज़ टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द केसिन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट फ्रॉम के केसिन टू पैरा के केसिन। ठीक है, और इसी के वजह से कोएगुलम फॉर्मेशन शुरू होगा। सो इसके साथ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि कर्ड का जो फॉर्मेशन है, प्रोटीन का जो कोएगुलेशन है, वो ख़त्म। बट अब जो सराउंडिंग में वे है उसको हमें सेपरेट करना है, और पूरा जो कर्ड है उसको एक साथ करना है। तो वो जो हमारा होगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ वे। सो हाउ इट इज़ डन, स्टरिंग ऑफ कर्ड। कर्ड को स्टर करते 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 उसको एक साइड लाना है, और इसी के साथ वे सेपरेट होता जाएगा और कर्ड एक साइड हो जाएगा। सेकंड, प्रेसिंग ऑफ कर्ड। कर्ड को जितना हम प्रेस करेंगे या पुश करेंगे, तो उसके अंदर से जितना भी वे है, अभी तक जो वाटरी पार्ट है, वो सब निकल जाएगा। देन दे आर कलेक्टेड इन अ ब्लॉक फॉर्म। जितना भी कर्ड है उसको एक ब्लॉक फॉर्म में अलग अलग साइज़ के स्टोर करते हैं, या फिर इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीज और लाइपेज एंजाइम। व्हाट इट डज कि जो एक्स्ट्रा वे है अभी तक बाकी रहा है कर्ड के अंदर, वो सारा वे पार्ट वो बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया वे का पार्ट। एक बार हमने सारा कर्ड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपने पास अवेलेबल हो गया है, उसके बाद प्रोसीजर आती है, लास्ट प्रोसीजर, दैट इज़ राइपनिंग। अब राइपनिंग वो स्टेज है जिसके अंदर कर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से चीज़ बनता है। चीज़ कैसे कि उसके अंदर चीज़ी फ्लेवर डेवलपमेंट होना, उसका चीज़ी टेस्ट या फिर टेक्सचर डेवलप होना, वो सब प्रोसीजर के लिए हम राइपनिंग करते हैं कर्ड की। सो चीज़ इज़ एज्ड फॉर 2 to 12 months एट 2 to 10 degrees Celsius। जब हम चीज़ को एजिंग देते हैं, उसको रखते हैं इस टेम्परेचर पे, तब जो है उसका फ्लेवर डेवलपमेंट। वाई, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन इट एंड द रेनेट एंजाइम एक्चुअली वर्क्स अंडर दिस मंथ्स ऑन दिस टेम्परेचर, और उसके अंदर जो फ्लेवर डेवलपमेंट का काम है वो तभी होता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी होती है जो फ्रेश सर्व्ड होती है, जैसे कि मोज़रेला, दे आर सर्व विदाउट बींग एज्ड और अदरवाइज एज्ड फॉर अ वेरी लिटिल टाइम। तो ऐसी चीज़ जैसे कि मोज़रेला चीज़ है जो फ्रेश चीज़ है एंड सॉफ्ट चीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी हार्ड चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, दे आर एज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि शेडर चीज़ है, शेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का जो हमने टेक्सचर देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि शेडर चीज़ थोड़ी सी हार्ड है, अनलाइक मोज़रेला जो बिल्कुल सॉफ्ट मार्केट में अवेलेबल होती है। तो एजिंग पर डिपेंड है कि चीज़ का टेक्सचर, फ्लेवर और उसका जो सॉल्टीनेस है वो कैसा आएगा। इस स्टेज में हम सॉल्टिंग भी करेंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा सॉल्ट फ्लेवर, सॉल्टी फ्लेवर जो है वो चीज़ में मिलता है हमको। तो ये तीन प्रोसीजर्स की बात हो गई कि कैसे कैसे कोएगुलेशन फॉर्मेशन होता है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रेनेट एंजाइम, और उसके बाद वे का सेपरेशन होता है बाय दिस मेथड्स, एंड राइपनिंग प्रोसीजर्स जो एक्चुअली डिसाइड करती है कि चीज़ का फ्लेवर टेक्सचर कैसा होगा। प्लीज़ शेयर इट विथ हुएवर वांट्स। थैंक यू।